Hello friends, my name is Kunal Kumar. Education with passion is equal to edupassion. So now this is video number 5 of determinants class 12th. मैथ्स तो दोस्तों अभी तक हमने प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी थी तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं ठीक है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इजी है वो कंसेप्ट कहता है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है सपोज आपको ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ठीक है यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 पॉइंट गिवन है ठीक है एक पॉइंट दिया हुआ 1.0 दूसरा पॉइंट दिया हुआ 6.0 तीसरा पॉइंट दिया हुआ 4.3 ठीक है ये आपके पास 3 पॉइंट है अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ जैसे ये पॉइंट है x1 y1 सेकंड पॉइंट इज x2 y2 थर्ड पॉइंट इज x3 y3 ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है x1 y1 पहला पॉइंट ऐसे और इधर 1 ठीक है दूसरा हो गया x2 y2 दूसरे पॉइंट को इधर लिख दो इधर 1 तीसरा है x3 y3 1 ठीक है दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा इसको आई थिंक मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये मैं आपको शुरू की वीडियोस में बता चुका आप इसको सिंपली वैल्यू पुट करो जैसे ये हो गया 1 0 1 ठीक है दूसरा हो गया 6 0 1 तीसरा हो गया 4 3 1 ठीक है ये इसको हमने ऐसे सॉल्व किया और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल इसमें आपका आंसर आ रहा है 15/2 स्क्वायर यूनिट जरूर लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स ठीक है दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ है ना इजी ठीक है केवल फॉर्मूला पुट करना है Nothing more than that, ठीक है? तो ये जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, इस कंसेप्ट पे आज आपकी 4.3 थर्ड एक्सरसाइज आपकी मैथ्स की कवर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट उसपे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है? और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ठीक है सपोज चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कवर कराता हूँ ठीक है दूसरे पेज में ताकि हमें पेज फोल्ड करने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 4 square units and vertices are और इसके क्या क्या वर्टेक्स दिए हुए हैं सपोज k,0 दूसरा 4,0 तीसरा 0,2 ठीक है ये तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं k की वैल्यू निकालनी है हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मेरा आंसर कुछ भी आता है ठीक है सपोज मेरा आंसर नेगेटिव आता है जब मैं एरिया निकालता हूं अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो एरिया को आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे फॉर एग्जांपल आपका एरिया आया -30 तो आप ये नहीं बोलोगे एरिया इज -30 बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो एरिया आपका क्या आया +30 आप क्या बोलोगे एरिया आपका क्या आया +30 राइट ऐसे ही अगर आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 y1 मतलब ये हो गया k 0 1
401, ठीक है, 021, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। और एरिया कितना दिया हुआ हमें, एरिया दिया हुआ 4, तो जो 4 वैल्यू है, ठीक है, हम उसको प्लस माइनस 4 लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 4, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसकी दो वैल्यू कन्वर्ट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सॉल्व करके वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया प्लस माइनस 8, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, बच्चों ये सॉल्व करना अब आपको आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। तो आप इसको सॉल्व करते हो और सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आती है वो आ रही है माइनस 2k प्लस 8 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये प्लस माइनस है तो आप दो पार्ट बना लोगे, मतलब ये हो गया, एक बार प्लस 8 ले लोगे, दैट इज माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 8, और एक बार माइनस 8 लोगे इधर, तो ये माइनस 2k प्लस 8 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 8, राइट। तो आपके पास k की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 से 8 कट गया, तो इधर k की वैल्यू 0 आ रही है और इधर k की वैल्यू आ रही है 8, माइनस 16, और डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू इज 8, तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। प्लस माइनस लेना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, हो सकता है आपको 4 में से केवल एक नंबर ही मिले, ठीक है। तो ये ऐसे जब हमें एरिया गिवन होता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एरिया जो भी गिवन होगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके चलोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट कंसेप्ट में इधर सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। You need to find the equation of line joining 1, 2 and 3, 6 using determinants, ठीक है। अब आप क्या करोगे, assume कर लो कि पहला point तो चलो 1, 2 था, दूसरा point 3, 6 है, तीसरा point आप assume कर लो x, y, ये तीन point आपके हो गए, ठीक है। आप assume करो कि तीसरा point क्या आपका x, y, ठीक है। जब आप ये assume कर लेते हो तो फिर, और ये तीनों क्या है, और ये आप ये अज्यूम करो कि इस लाइन का ही एक्सटेंशन एक पॉइंट आपने x, y लिया है इसी लाइन पे, इस लाइन के दो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, तो इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। तो तीन पॉइंट दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो, बिकॉज द एरिया ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट इज जीरो, क्योंकि तीन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, उसका एरिया होगा ही नहीं, और एरिया नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, जीरो एरिया, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने तीसरे पॉइंट को एज्यूम कर लेना x, y, और जब आपने इसको x, y एज्यूम कर लिया, राइट, तो फिर आप और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लोगे, जीरो, क्योंकि कोलिनियर है, तो आप फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, फिर वही वाली बात, 1, 2 इधर 1, 3, 6, 1 x, y, 1। आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके जो भी आपकी इक्वेशन, जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आंसर आ रहा है, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व कर, आप इसको सॉल्व करो और जो भी आपकी लास्ट इक्वेशन बच जाए वो आपका आंसर है, तो ये हो गया x माइनस 3y, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने दूसरे उसका लिख दिया, इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया था।
तो आप इसको, ये आपकी इक्वेशन हो गई, या तो आप इसको इस फॉर्मेट में छोड़ दो या आप इसको इस फॉर्मेट में, मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जैसे y माइनस टू एक्स इजू जीरो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर होगा कोई भी, ये या ये कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज के कंसेप्ट थे। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट कहते हैं यू नीड टू राइट दी माइनर्स एंड को फैक्टर्स, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये आपकी डिटर्मिनेंट है 2 -4 and 0 3, एक 2/2 का लेके चलेंगे, एक 3/3 का लेके चलेंगे, बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मेन एक्सरसाइज आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी, दैट वाज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर चौथे पांचवें दिन में उसको एक बार कर लो, दो तीन बार जब कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब आप ये जो माइनर्स और कोफैक्टर्स हैं इसके कंसेप्ट को समझो। ये कंसेप्ट ऐसा है जो एक्चुअली में हम आपको फर्स्ट क्लास में सिखा चुके बट उसका नाम एक प्रॉपर जो नाम माइनस और कोफैक्टर है वो अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हम इसको कैरी ऑन करते हैं, देखो आप लिखो माइनर्स क्या है, तो चार एलिमेंट्स हैं तो चार माइनर होंगे, M11 M12, ठीक है, जैसे A11 A12, फिर A21, तो इसका माइनर M21 कहलाएगा, M22, देखो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं इसको, माइनर्स, ये हम माइनर्स लिख रहे हैं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स क्या है,